हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशा सैनी फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ एक नए अध्याय के साथ। 11वीं कक्षा आरंभ भाग एक में सम्मिलित पाठ 5 गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी जी। इनका जन्म सन 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। बच्चों, इस पाठ को समझाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज में जातिगत विभिन्नता अत्यधिक मात्रा में पाई जाती थी। इस पाठ में मोहन नाम का पात्र उस मनोदशा तक पहुँच जाता है जब वह इस जातिगत विभिन्नता को ठुकरा देता है और अपने मित्र धनराम की दुकान पर जाकर उसके ऑफर में बैठ जाता है। तो इस पाठ के सबसे जो मुख्य पात्र हैं, एक बार उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। वंशीधर, वंशीधर के बेटे का नाम है मोहन। गंगाराम, गंगाराम के बेटे का नाम है धनराम। और हमारी बच्चों जो पूरी कहानी है वो मोहन और धनराम के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसमें एक अन्य पात्र भी है, मास्टर त्रिलोक सिंह जी, जो कि इनके अध्यापक हैं। और एक अन्य पात्र के आने से पूरी कहानी का एक इनके अध्यापक हैं जिनका नाम है मास्टर त्रिलोक सिंह जी। और इस कहानी में एक अन्य पात्र हैं रमेश। रमेश के आ जाने से इस कहानी का पूरा घटना चक्र ही बदल जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं इस पाठ के सार को। वंशीधर जो कि पुरोहित का काम करते हैं और उनका इकलौता बेटा है मोहन। अब क्योंकि वो काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं और उनसे पुरोहिताई का धंधा नहीं होता, तो वो यह उम्मीद करते हैं कि मोहन उनके इस व्यवसाय में उनकी मदद करे। मोहन उनका आशय समझ जाता है, लेकिन उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं होती कि वह अपने पिता के अनुष्ठान के कार्य को संपन्न कर सके। मोहन अपने हाथ में हसुआ लेकर खेतों की ओर चल देता है और वहां अपने मित्र धनराम के आपन में जाकर बैठ जाता है। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं गंगा नाम का बेटा धनराम। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि मोहन और धनराम दोनों ही सहपाठी हैं, बचपन के अच्छे मित्र हैं। दोनों एक ही स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं और धनराम मोहन को कभी भी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था, क्योंकि मोहन पढ़ाई में शुरू से ही अच्छा विद्यार्थी था, जबकि दूसरी ओर धनराम मन बुद्धि का वैफिसर्टी बालक था। दोनों अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं। उन्हें अपने अध्यापक मास्टर त्रिलोक सिंह जी की बातें याद आती हैं। दोनों इन बातों पर खूब हंसी मजाक करते हैं। धनराम को याद आता है कि एक बार मोहन ने मास्टर जी के कहने पर उसे बैद से सजा दी थी। मास्टर जी मोहन को अत्यधिक पसंद करते थे, क्योंकि मोहन पढ़ाई में शुरू से ही अच्छा था। वह मास्टर जी के सभी कार्यों को संपन्न कर देता था, यहाँ तक कि प्रार्थना करवाना भी मोहन का ही कार्य होता था। मोहन के बारे में मास्टर जी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन मोहन बड़ा होकर एक बड़ा अफसर बनेगा। वह केवल अपने गांव का ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का भी नाम रोशन करेगा। धनराम भी अपने गांव के अन्य खेतीहर मजदूरों की तरह तीसरे दर्जे तक ही पढ़ाई कर पाया था, क्योंकि वह पढ़ाई में अत्यधिक कमजोर था। एक दिन जब मास्टर जी ने उससे 13 का पहाड़ा याद करके सुनाने के लिए कहा, तो बार बार घोटा लगाने वह मास्टर जी को 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाता। मास्टर जी अत्यंत गुस्से में हो जाते हैं और उसकी बेत से पिटाई करते हैं। इस पर धनराम अपने घर पर आ जाता है। और एक बच्चों, इस कहानी में अब नया मोड़ आता है कि धनराम के जो पिता है गंगाराम, उनकी मृत्यु हो जाती है और धनराम को अपने पिता का आफर संभालना पड़ता है। लेकिन उसके कानों में अपने मास्टर जी के ये शब्द हमेशा सुनाई देते हैं कि अरे, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, इसमें विद्या का ताव कहाँ लगेगा। इसका अर्थ यह है कि जो धनराम है वह एक लोहार
लोहार का बेटा था, क्योंकि उसके पिता गंगाराम एक लोहार का ही काम करते थे। तो इसलिए मास्टर जी ने यह व्यंग्य किया है कि तेरे दिमाग में तो केवल और केवल लोहा ही भरा हुआ है, इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा। अब दूसरी तरफ मोहन प्राइमरी स्कूल की अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसको इनाम में वजीफा मिलता है। इससे मोहन के पिता वंशीधर की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है। उन्हें यह लगता है कि मोहन एक दिन बड़ा होकर बड़ा अफसर बनेगा। अब उसके पिताजी की थोड़ी मुश्किलें और भी बढ़ जाती है। मोहन की आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था, जिसे पार करने में 2 मील की चढ़ाई के अतिरिक्त बरसात के मौसम में नदी के जल स्तर की वृद्धि भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। वंशीधर रोजाना शाम को थके हारे मोहन को प्रोत्साहित करने के लिए विद्या प्राप्त करने वाले बालकों की कथाएं सुनाते रहते थे, जिससे कि मोहन का जो पढ़ाई में रुझान है, जो उसकी रुचि है, वो कम न हो। वर्षा ऋतु में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने मोहन को अपने एक यजमान यानी कि कथा कराने वाले के घर पर मोहन को रहने का प्रबंध करवा दिया था। उस घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन भी घर से कुछ खा पी कर निकलता और छुट्टियों में जब नदी का जल स्तर घट जाता था तब वह अपने परिवार वालों से मिलने के लिए आता था। एक दिन क्या हुआ, नदी में बाढ़ आ गई थी और पानी का जो जल स्तर था वह काफ़ी बढ़ गया था। तो ऐसे में वंशीधर को मोहन की अत्यधिक चिंता होने लगी और इस घटना के बाद वंशीधर घबरा भी गए थे और वो मोहन को लेकर चिंतित रहने लगे। बच्चों, अब इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब यहाँ पर जो हमारी कहानी का अन्य पात्र है रमेश, उसका आगमन होता है। जो रमेश था वो उन्हीं की बिरादरी का एक संपन्न परिवार का युवक था, वह लखनऊ में रहता था। रमेश उन दिनों छुट्टियों में लखनऊ से अपने गांव आया हुआ था। वंशीधर बातों में रमेश के सामने अपने बेटे मोहन की पढ़ाई की चिंता व्यक्त करते हैं। रमेश उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह मोहन को उनके साथ लखनऊ भेज दे, वो उसे आगे की पढ़ाई करवाएंगे। वंशीधर को ऐसा प्रतीत होता है कि रमेश के रूप में उन्हें साक्षात भगवान मिल गया हो। लेकिन बच्चों, यहाँ पर अब वंशीधर की इच्छा के विपरीत होता है। वंशीधर ने मोहन को रमेश के साथ लखनऊ पढ़ने के लिए भेजा था ताकि उनका सपना पूरा हो जाए, लेकिन रमेश मोहन को आगे की पढ़ाई नहीं करवा पाता और उसे घर के कामकाज में ही लगा देता है। रमेश के घर में मोहन की हैसियत एक घरेलू नौकर से ज़्यादा नहीं थी। उसकी चाची भाभी उसे घर के सारे काम करवाती थी, यहाँ तक कि मोहल्ले की औरतें भी मोहन से ही अपना कार्य करवाती थी। घर के काम के दबाव के कारण मोहन शहरी स्कूल में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। 8वीं कक्षा के बाद उन्होंने मोहन का दाखिला एक तकनीकी स्कूल में यह कहकर करवा दिया था कि आजकल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 1.5-2 वर्ष के बाद जब मोहन अपना कोर्स पूरा कर लेता है तो वह अपने गांव में वापस आता है। लेकिन जब मोहन लखनऊ में था तो वह अपनी वास्तविकता अपने परिवार को नहीं बता पाता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर मैंने यह सच्चाई अपने परिवार वालों को बता दी तो उन्हें बहुत दुख होगा। एक दिन जब धनराम मोहन के पिता से मिलता है और उनके बारे में पूछता है तो वंशीधर बड़े गर्व के साथ उसे यह बताते हैं कि मोहन का तो एक सेक्रेटरीट में चयन हो गया है। अब मोहन अपने गांव वापस आ जाता है। धनराम व मोहन अपने बचपन के विभिन्न प्रसंगों को याद करते हैं। धनराम कहता है कि यदि पंडित जी हसवे को मेरे पास भिजवा देते तो मैं धार लगाकर उनके पास भिजवा देता। मोहन उसके पास आकर वहीं बैठ जाता है। उस समय ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले के लोगों के सामने बैठना या उनके साथ बातें करना उचित नहीं माना जाता था, लेकिन मोहन फिर भी इन पुरानी सारी मान्यताओं को ताक पर रखकर धनराम के पास न केवल बैठता है बल्कि उसके कामकाज में भी उसका हाथ बटाता है।
एक दिन मोहन धनराम के पास उसके ऑफर में जाकर उससे मिलता है। उस समय धनराम लोहे की छड़ को सीधा करने का प्रयत्न कर रहा होता है, तो मोहन एकाएक उसके हाथ से लोहे की छड़ को ले लेता है और उसे सीधा कर देता है। यह सब देखकर धनराम को अत्यधिक आश्चर्य होता है कि ब्राह्मण पुरोहित खानदान का बेटा कैसे उसने लोहे की छड़ को एकाएक सीधे कर दिया। लेकिन उस समय मोहन की आंखों में एक सजग की चमक थी। बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले अध्याय में हम फिर से आपसे मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं इस पाठ के सार को। वंशीधर जो कि एक पुरोहित का काम करते हैं और उनका इकलौता बेटा है मोहन। अब क्योंकि वो काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं और उनसे पुरोहिताई का धंधा नहीं होता, तो वो यह उम्मीद करते हैं कि